शरिया को ऊपर रखते हो संविधान को? शरिया, शरिया या संविधान, ये सवाल है। शरिया, मैं बता रहा हूँ ना, शरिया और आजादी दिलाई थी इन्होंने। ये है, देखिए ये इनका असली चेहरा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज नसीरुद्दीन शाह का वो वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान चाहिए या फिर हमारे को अपना एक रिफॉर्म्ड इस्लाम चाहिए। इस वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा आप यहां पर सुन सकते हैं और ये पूरा का पूरा वीडियो मैं नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा, वहां पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इकदार, वैल्यूज। इसमें नसीरुद्दीन शाह ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है, सिर्फ इतनी सी बात कही है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। वही बात जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नोमानी ने कही थी, यहां तक की बात दोनों की सेम है। लेकिन वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नोमानी कहते हैं कि मैं तालिबान को कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूं, ग्रीटिंग्स देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है और इस्लाम की हुकूमत को वापस से लाने के लिए, शरिया को फिर से अफगानिस्तान में स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी, बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी थी और उसके पक्ष में काफी सारी रैलियां भी निकली थी, बहुत सारी पोस्ट भी निकली, यानी कि जश्न मनाया गया भारतवर्ष में था। नसीरुद्दीन शाह, जिनको कि भारतवर्ष में अभी तक डर लगता था, नसीरुद्दीन शाह जिनको कि अभी तक ये लगता था कि गौ रक्षक केवल और केवल मुसलमानों को मारने के लिए होते हैं, ना कि गाय की रक्षा करने के लिए, वही नसीरुद्दीन शाह जिसको लग रहा था कि 2014 के बाद में भारतवर्ष ही जहन्नम बन चुका है, वही नसीरुद्दीन शाह न जाने क्यों उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो आज कह रहा है कि हमको इस्लाम में रिफॉर्म की आवश्यकता है, ना कि उस क्रूरतम तालिबान को प्रेज करने की आवश्यकता है। अब यहां से असली रंग निकल करके आता है मुसलमानों का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को दिखा करके काफी सारे लोग आप लोगों को ये कहेंगे कि देखिए नसीरुद्दीन शाह का हृदय परिवर्तन हो गया है, यही असली मुसलमान है। लेकिन साथ ही साथ हमको नहीं भूलना चाहिए वो बात जब अरफा खानुम शेरवानी ने खड़े होकर कहा था कि हमको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करनी है, हमें शरिया की हुकूमत वापस लाने के लिए इसी तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो कि संविधान के माध्यम से ही लड़ी जा सकती है और आने वाले समय में हमें वही हुकूमत वापस चाहिए भी। हालांकि इस मामले में भी अरफा खानुम शेरवानी ने एक ट्वीट तो किया और उसमें जिस प्रकार से एक न्यूज एंकर या पत्रकार या एक न्यूज एजेंसी लिखती है, ठीक वैसे ही नसीरुद्दीन शाह की लाइन को लिख करके वीडियो पोस्ट कर दी थी। लेकिन उसके बाद में इस्लामिक लोगों ने, ट्रोल्स ने और तालिबानी लोगों ने, तालिबानी किसको कहते हैं, तालिब कहते हैं मदरसे से पढ़े हुए को और उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, तालिबानी। इस तालिबानी ग्रुप ने अरफा खानुम शेरवानी की क्लास लगाई, इसी तालिबानी ग्रुप ने खुद नसीरुद्दीन शाह की क्लास लगाई और उनको बताया कि मदरसा नॉलेज क्या है। मदरसा नॉलेज ये है कि तालिबान हो, अफगानिस्तान हो या कोई भी मुसलमान हो, उनको कुरान सीखने की आवश्यकता नहीं है, इस्लाम को रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। अरफा खानुम शेरवानी इसी डर से तुरंत अपनी लाइन बदल देती है और वो कहती है कि नसीरुद्दीन शाह की बात से मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ, केवल और केवल अल्लाह मियां जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर अरफा खानुम शेरवानी, जो महिला तथा कथित पढ़ी लिखी है, जो कि एक लिबरल पत्रकार है, पत्तलकार हमें कहना चाहिए, सॉरी, जो एक लिबरल पत्तलकार है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बताती है, जो कहीं पर भी खड़ी होकर के हिंदुओं की उन कुरीतियों पर आज बोल सकती है जो आज से 150 साल पहले खत्म हो चुकी थी, वह महिला ये कहती है कि अल्लाह मियां ही जानते हैं। यानी कि एक लिबरल पत्तलकार के अंदर से भी अल्लाह वाला ज्ञान उछाले मार करके बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल आता है और उसको जब तक वो पकड़ती, ट्वीट
वायरल हो चुके थे। अरफा खानम शेरवानी से इसी वजह से मैंने शुरुआत की थी कि ये वही महिला है जो चाहती है, जो करना चाहती है और इसके तरफ कार्य भी कर रही है कि किस प्रकार से संविधान से शरिया की ओर जाना है। अल्लाह मियां ने आज तक किसी को नहीं बताया कि कौन सही है और कौन गलत है। ये पूरी की पूरी बात अंधेरे में है, जज्जे में है, लेकिन अरफा खानम शेरवानी को पूरा पूरा यकीन है कि वो ही जानते हैं। लेकिन यहां पर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मुसलमान इस बात का फैसला जरूर कर चुके हैं कि नसीरुद्दीन शाह को इस्लाम का कुछ नहीं पता है, वो एक जाहिल आदमी है, वो एक गलत आदमी है, वो एक बुरा आदमी है जो कि तालिबान को कोस रहा है। यानी कि अल्लाह मियां ने इन सभी के सभी तालिबानियों को बोल दिया है कि कौन सही है और कौन गलत है और जाकर के ट्वीट छाप दो। क्या इसी को हम अल्लाह मियां का सही और गलत का ज्ञान कह सकते हैं? यहीं पर मुसलमान नहीं रुकते, नसीरुद्दीन शाह को भांति भांति प्रकार की गालियां दी जाती हैं। अब आप सोचिए जरा कि नसीरुद्दीन शाह कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। यह होती है दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब के फर्क को समझने का समय, उसको समझने की भाषा। जिस समय पर कोई भी व्यक्ति इस्लाम की छवि खराब हो रही हो, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भारत के अधिकतर मुसलमान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो, उस समय पर कोई भी बीच में से डरा हुआ मुसलमान बाहर निकल करके आता है और वो कहता है कि ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। और ऐसे समय में हमारे कुछ तथाकथित हिंदुवादी लोग ये कहने लग जाते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया है, हृदय परिवर्तन के चलते नसीरुद्दीन शाह ने भी ये बात कही है और नसीरुद्दीन शाह ही एक अच्छा मुसलमान है। आप इस्लाम के बारे में इसका मतलब कुछ भी नहीं जानते, जिस वजह से ये गंदगी, बीमारी, ये रोग, ये कैंसर पूरे के पूरे विश्व में चला है, उसको आज तक यदि किसी भी नसीरुद्दीन शाह या किसी भी अरफा खानम शेरवानी या किसी भी सबा नकवी ने क्रिटिसाइज किया हो, उसके ऊपर कोई बात की हो, उसके रिफॉर्म की बात की हो, यहां तक कि रिफॉर्म की बात करने वाले व्यक्ति तक को भी सपोर्ट किया हो, तो हम समझ जाते हैं कि कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान सा और बढ़िया सजा धजा तरीका है कि जिस समय पर आपकी पॉपुलैरिटी घट रही हो, जिस समय पर आप लोगों की जो किसी भी देश के अंदर उसके राष्ट्र के प्रति प्रेम को कम कर रही हो, तो बीच में से फुदक करके कोई भी आदमी आकर के उसके खिलाफ बोलने लग जाता है और वहां का बहुसंख्यक समाज और खास करके हिंदू लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन हम नसीरुद्दीन शाह को तो याद रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गिलानी को याद नहीं रखते, जिसको पाकिस्तान प्रेज करता है, उसको पुरस्कृत करता है। गिलानी खुद इस बात को कहता है कि मेरा शरीर जो है वो पाकिस्तान के अंदर दफन होना चाहिए। जिसकी की मौत हुई है, उसकी मौत के बाद में एक भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि ये वो व्यक्ति है जिसने कि हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए जी जान की कोशिश की। 91 साल की उम्र तक वो व्यक्ति लगा रहा। यह वो व्यक्ति है जिसने भारत को तोड़ने हेतु बहुत सारे आतंकवादी भारतवर्ष के ही शीर्ष कश्मीर में पैदा किए थे। आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी इस बात के ऊपर जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो भी एक कुरानी था और जिनको बोलना चाहिए था वो सारे के सारे कुरानी हैं। आज रोहित सरदाना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सच्चाई होने के बावजूद आज हमारे बीच में कल्याण सिंह जी नहीं है, लेकिन वो एक सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी किसी इस्लामिक व्यक्ति की नज़र में वो सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते जो कि आज उनकी नज़रों में गिलानी का सम्मान है। तो ये वो बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताएंगी कि इस देश के प्रति कितने बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, कौन लोग इस देश को लगातार खाने में लगे हुए हैं, और जिसको आप अच्छे और बुरे की कैटेगरी में रखते हैं वो कोई अच्छे या बुरे की कैटेगरी नहीं होती है, वो केवल और केवल अपनी छवि को बचाने का एक स्टंट होता है, एक प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन बीच में कुछ काजी, कुछ मुसलमान कूद करके आ जाते हैं, वो जो कहते हैं कि हमारे लिए संविधान नहीं बल्कि शरिया ही सर्वोच्च है। एक डिबेट में खुल्लम खुल्ला इस बात का खुलासा हुआ और शहजाद पूनावाला ने बहुत ही आसान शब्दों में इन सब बातों को बाहर भी निकलवा लिया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक मुसलमान की जो पूरी की पूरी श्रद्धा है, उसका दिल जिसके लिए धड़कता है, वो है तालिबान, वो है इस्लाम, वो है शरिया, और वो है दारुल इस्लाम की तरफ बढ़ता हुआ वो देश जो आज की तारीख में दारुल हर्ब है।
इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है और इस प्रकार की जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचे उनको सभी के साथ में शेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे सोए हुए हैं, उनको लगता है कि शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर धसाने से हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। अब हम कंटिन्यू सत्य सनातन पर इसी प्रकार से आते रहेंगे। जनता दरबार पर आपके खुद के जो ओपिनियंस हैं वो वहां पर आते रहेंगे। जनता दरबार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आने वाले वीडियोस के ओपिनियंस को सुनिएगा और उनको भी अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।